अब बाज दफा लोग कहते हैं कि ये इतना तवील अमल हम अंजाम नहीं दे सकते, या ये कि हम सूरह इतनी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ सकते। तो फिर इमाम ने एक दूसरा तरीका बयान किया और इरशाद फरमाया दूसरे तरीके के बारे में, वा इल्लम तुहसिनी ज़ालिका वलम तुहसिनी, अगर आप इन सूरों को ना पढ़ सकें कि अगरचे आप नहीं पढ़ सकेंगी तो फिर क्या कर रहे, कर्रती कुल हुवल्लाहु अहद अल्फ मर्रतिन, यानी पहले सूरे हम पढ़े 100 दफा, फिर सूरे तौहीद पढ़े 100 दफा, फिर आयतल कुर्सी पढ़े 10 दफा, फिर उसके बाद बेजाय सूरे अनाम के और इन सूरों के और फिर इन शकाक से लेके आखिर कुरान तक पढ़ने के 1000 दफा सूरे तौहीद पढ़ ली जाए। और ये दूसरा तरीका इंतहाई आसान है कि जो लोग इन सूरों की वजह से इस अमल को अंजाम नहीं दे पाते कि हमारी जबान इतनी रवा नहीं है, और अगर हम पढ़ें तो उमूमन गुरूब तक इन सूरों की तिलावत से फारिग नहीं हो पाते, खुसूसन कब के जब सर्दियों का जमाना हो कि जब सूरज जल्दी गुरूब होता है, तो ऐसी सूरत में या इस सूरत में कि जब थकन हो या इस सूरत में कि जब तिलावत न कर सकते हो अच्छी उसमें गलतियां हो या ये कि टाइम बहुत लगता हो, तो फिर 1000 दफा सूरह तौहीद पढ़ ली जाए इन सूरों के बजाय। तो एक तरीका मशहूर तरीका, दूसरा तरीका कि जिसमें 1000 दफा सूरह तौहीद पढ़ लिया जाए। इसी तरीके को बयान किया है शेख मुफीद ने, लेकिन फर्क बस इतना सा है और लगता है कि शायद ये भी वही दूसरा तरीका हो, कि इन्होंने फरमाया है कि जब वो सूरह मखसूस अच्छी तरीके से ना पढ़े जा सकते हो निसफ रजब को, या ये कि उन सूरह पढ़ने की ताकत ना हो, तो फिर क्या किया जाए, हम्द को पढ़ा जाए 100 दफा, आयतल कुर्सी को पढ़ा जाए 10 दफा, और 1000 दफा सूरह को पढ़ा जाए, यानी सूरह तौहीद को पढ़ा जाए आखिर में। शेख मुफीद ने तरीका जो बयान किया और जो दूसरा तरीका रिवायत में बयान हुआ उसमें फर्क यह है कि इसमें सूरह हम्द के बाद 100 दफा सूरह तौहीद का जिक्र नहीं हुआ, डायरेक्ट 10 दफा आयतल कुर्सी का जिक्र हुआ। बस बेहतर यही है कि अगर कोई पहले तरीके के जरिए पहले तरीके के मुताबिक अमल ना कर सके तो फिर वो दूसरा तरीका यानी 100 दफा सूरह हम्द, 100 दफा सूरह तौहीद, फिर 10 दफा आयतल कुर्सी, और फिर 1000 दफा सूरह तौहीद, यानी 1100 हो जाएंगी। शेख मुफीद के तरीके के मुताबिक बस 1000 दफा सूरह तौहीद, और जो सूरह हम के बाद 100 दफा तौहीद है उसका जिक्र नहीं है। अब मुमकिन हो कि कोई और रिवायत हो जो इनको मिली हो, और मुमकिन है कि इसी तरीके को उन्होंने नकल किया हो और कातिब से गलती हो गई हो और 100 दफा सूरह तौहीद का जिक्र रह गया हो। चौथा तरीका जो सैयद इब्ने ताऊस ने बयान किया इकबालुल आमाल में, और वो ये उन्होंने फरमाया, वह अकुल कि मैं ये कहता हूं, राय तो बाज़ रिवायात, और मैंने बाज़ रिवायात को देखा, ويحتمل ان يكون ذلك لاهل الضرورات, और ये जो तरीका है मुझे लगता है कि जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत हो और वो ना कर सकते हो पूरे अमल को, या ये कि वो सफर में हो, या ये कि बहुत ज्यादा उनकी कोई मुश्किल हो, तो वो क्या करें, फयुज्जी है قرات قل هو الله احد 100 مرات, कि वो नमाज ज़ोहर असर के बाद अमल उम्मे दाऊद को इस तरह से अंजाम दे दें कि पहले वो चीजें पढ़ें उन सूरों के बजाय 100 दफा सूरह तौहीद पढ़ लें। अब यहीं से एक जवाब ये मिल जाता है कि अगर कोई सफर में भी हो तो इस अमल को अंजाम दे सकता है, और सफर में रोजे नहीं रख सकते, तो बस एक सवाल ये पैदा होता है कि जो रोजे ना रख सकता हो वो क्या करे, बीमार है, उम्र ज्यादा हो गई है, अब वो चाहता है अमल करे, तो वो भी इन तारीखों में यानी 15 रजब को अमल उम्मे दाऊद को अंजाम दे सकता है, क्योंकि वो रोजे नहीं रख सकता, वो कि अगर रोजा हो तो ये अमल बहुत ही बेहतर है। लेकिन क्योंकि यहां पे रिवायत से सदनाद हुआ कि सफर में इस अमल को, या जब मुश्किल हो या बहुत कम वक्त हो, तो 100 दफा सूरह तौहीद पढ़ के भी अंजाम दिया जा सकता है, तो सफर से वाज़े महसूस होता है कि फिर रोजे की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सही माना में अमल है इसका, या अल्फाज दीगर तमाम फजीलतों के साथ, वो अमल इसी सूरत में होगा
और जो बेहतरीन वक्त है और बेहतरीन शराइत के साथ 13, 14, 15 रजब को रोजा रखा जाए, 15 को बाद जोहर इस अमल को अंजाम दिया जाए।